सर गुड मॉर्निंग। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौट रहे हैं और काफी इवेंटफुल दिन रहा है कल इंटरनेशनल मार्केट में, और आज भी पॉजिटिव क्यूज हैं हमारे लिए। सर कोई रणनीति में बदलाव निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा, रणनीति में कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल खरीदारी की रणनीति के साथ ही उतरेंगे। और अक्टूबर का महीना बाजारों के लिए अच्छा है, ये लगातार हम अक्टूबर की शुरुआत से भी और साथ ही इस सीरीज की शुरुआत से कह रहे हैं। अब आप देखिए पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बाजार काफी तेजी से भागे हैं, उसके अलावा कल भले ही हल्के से नुकसान के साथ बंद हुए हों लेकिन ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। तो मेरा ये समझना है कि जितना कम गैप के साथ खुले उतना ज्यादा और उतना जल्दी खरीदने का मौका बनेगा। फिगर्स भी आपके लिए एफआईएस की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से और बेहतर होते हुए दिखाएं, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ चलें, कम गैप मिले खरीदारी करें। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 17,575 तक जाने की तैयारी निफ्टी की तरफ से होती हुई दिखी, तो वहां तक जाने की कोशिश करेगा। और जो सपोर्ट है अब निफ्टी के लिए वो 17,200-17,275 की रेंज में आपको मिलेगा। आज वीकली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको गैप से खुलने के बाद आ जाए, लेकिन अगर किसी भी लेवल से आपको 7,500 पॉइंट निफ्टी दिन के दौरान करेक्ट होता है तो वहां से फिर से एंट्री करने का मौका बन सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग पर फिर से खरीदारी का ध्यान रखें। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, अच्छी मजबूती के बाद बैंक निफ्टी अब 39,000 के लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा, तो आज के लिए जो सपोर्ट जोन है 39,150-39,175 रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 39,700-39,900 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आई थिंक आज और कल के लिए भी दोनों दिन रुझान पॉजिटिव साइड पर बनाकर रखें। एक ही चिंता की बात थोड़ी सी है और वो है कच्चा तेल जो बढ़कर आया है, लेकिन कच्चे तेल के अलावा बाकी फैक्टर सारे बेहतर हैं, तो आई थिंक तेजी के साथ ही बने रहना चाहिए और खरीदारी के रुझान देखना चाहिए। दूसरी चीज एक और है नेहा जो आज के लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन अब तेजी की तरफ थोड़ा बढ़ेगा, तो ब्रॉडर मार्केट पर भी ट्रेडर्स को फोकस करना चाहिए। जी पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली घबराने वाली कोई बात नहीं है, कच्चे तेल के फैक्टर पर तो हम नजर रखेंगे ही, पल पल की खबर आपको देंगे, लेकिन बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सर ने क्लियरली कहा है कोई भी डिप कोई भी करेक्शन खरीद का मौका है। 17,200-17,275 सपोर्ट रेंज है, ऊपरी लेवल पे 17,500 और 17,575 के पास निफ्टी स्ट्रेच होता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी 39,050-175 की सपोर्ट रेंज दिख रही है और अपर बैंड 39,900 तक आज स्ट्रेच होता दिख रहा है।